This is Bloomberg UTV. India's growing rapidly. The economic strides that this country is taking are breathtaking. And youngsters want a lot from their life. They don't want to wait as much as perhaps their parents waited. Debt is a simple solution. But there is a caveat. Debt ko samajhna, karz ko samajhna bahut zaruri hai. Ye janna ki aap kis tarah ki liability le rahe hain, us liability pe kitni responsibility aati hai. Because if there is debt without discipline, then it can drive you into despair. So what happens to individuals and families who find themselves in a debt crisis? Can they get out of a debt trap? Yes, they can. And we will show you how. Welcome to Debt to Life, an initiative in association with ARMS, a division of ARSEL. Kolkata. कला और कलाकारों की नगरी, नगरी सोचने वालों की, समझने वालों की, जहां एक ओर संस्कृति है, मिठास है, स्वभाव में सभ्यता है, तो दूसरी ओर विश्वास का जुनून भी। इसी अद्भुत शहर की भीड़ से गुजरते हुए हमारी नजर जा टिकी एक अद्भुत से खोए हुए इंसान पर, पार्थो प्रतिम मुखर्जी। उम्र 30 वर्ष। 2002 में ये ग्रेजुएट हुए और इसके तुरंत बाद इनका प्रोफेशनल करियर भी शुरू हो गया। जुलाई 2002 में पार्थो को उनकी पहली नौकरी मिली, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की, जिसमें ये 4,500 रुपए महीना कमाते थे। देखने वाली बात है, सितंबर 2008 तक पार्थो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के औहदे तक बढ़ चुके थे और उस समय इनकी आमदनी 75,000 रुपए महीना थी। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था, अच्छा ही था, और इसके बाद जो होने लगा उसका पार्थो को कोई अंदेशा नहीं था। पार्थो मुखर्जी कोलकाता के नूतन हाट इलाके के विवेकानंद पार्क के रहने वाले हैं, जो शहर से थोड़ी सी दूरी पर पड़ता है। यहाँ ये अपने माता पिता तथा पत्नी के साथ रहते हैं। घर पार्थो के माता पिता का ही है। गए दिनों में पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त पार्थो खेल कूद में बहुत रुचि रखते थे। पार्थो को तेज मोटरसाइकिल दौड़ाने का बहुत शौक था। इनकी गलतियां भी कुछ इसी तरह के जुनून से ही जुड़ी हुई हैं। जिंदगी को एक रेस ट्रैक समझ बैठे और एक जिद पकड़ ली कि जिंदगी की रेस में आगे निकलना है जल्दी। गलत समय पर गलत वजह के लिए गलत किस्म का कर्ज ले बैठे। सोच ये थी कि जिंदगी खुशहाल कर लेंगे थोड़े से समय में बिना कोई खास मेहनत किए। जब तक समय अच्छा चल रहा था सब कुछ ठीक था, अच्छी नौकरी थी, उसके बाद एक बहुत अच्छी नौकरी भी थी। कर्ज लिया पर कर्ज के पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाए, डाला भी तो कहां, स्टॉक मार्केट्स में। ये बात और है कि इस चीज को पार्थो स्वीकार नहीं करते, पर उसके बारे में चर्चा बाद में। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, हकीकत से टक्कर। आज पार्थो बेरोजगार है, नौकरी नहीं है और कर्जा सर पर है, पर सब कुछ खोया नहीं। अच्छी बात तो ये है इनकी जिंदगी में भी लाइफ गुरु आ रहे हैं। Thank you.
नेटोलाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है, जिन लोगों से हम मिले, जो हमने देखा, एक चीज बहुत क्लियरली सामने निकल के आती है कि लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है कि वो किस पर स्पेंड कर रहे हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, व्हाट इज एसेंशियल एंड व्हाट इज नॉट. पीपल हैव नेवर आस्क्ड देमसेल्व्स दैट क्वेश्चन. मेरी इनकम लेवल्स क्या है, मेरी सैलरी कितनी है, और मैं क्या स्पेंड कर रहा हूँ, किस पे स्पेंड कर रहा हूँ, ये कौन सा मनी लेके स्पेंड कर रहा हूँ, क्या ये चीजें एसेंशियल हैं, क्या ये बोरोइंग रिस्पॉन्सिबल है, क्या मैं अपने बोरोइंग कमिटमेंट्स रीपे कर पाऊंगा. एक लोन का समझ नहीं आ रहा कि रीपे कैसे करेंगे, चलिए दूसरे बैंक ने ऑफर करा, फटाफट जाके दूसरे बैंक ले लिया. दे गेट कंफ्यूज, दे गेट लॉस्ट, दे डू नॉट गो इन फॉर साउंड प्लानिंग, दे डोंट गो इन फॉर फाइनेंशियल एडवाइस. आज जॉब है, आज बीपीओ में काम कर रहे हैं, आज 20,000-30,000 मिल रहा है, लाइफ बहुत अच्छी है. What do you do when the going gets tough? हमने इतने केस स्टडीज देखी जहाँ के लोगों ने सोचा ही नहीं कि आज ये नौकरी है, कल ये नौकरी अगर सडनली नहीं रही, कल सडनली कोई इनलेस आ गई तो क्या होगा, कहाँ से पैसा आएगा. पार्थो, सो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. पार्थो की जिंदगी में लाइफ गुरु ने अपनी शुरुआत की पार्थो के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करने के साथ, उनके पिता से, उनकी पत्नी से, उनसे. पार्थो मुखर्जी के बारे में कुछ बातें सोचने वाली हैं. इनका वर्क एक्सपीरियंस 7 साल का है, पर पिछले 1 साल में ही इन्होंने 2 बार अपनी नौकरी गंवाई है. जनवरी 2009 में इनकी सैलरी 75,000 रुपए पर मंथ से 55,000 रुपए घटा दी गई. यही समय था जब पार्थो की शादी हुई. मार्च 2009 में इनकी नौकरी छूट गई. जैसे मैं बैंक में था तो उसको भी ये लगा कि कॉमर्स लेने से बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में हम अच्छा कर सकेंगे. बाप और बेटे के रिश्तों में जैसे अक्सर होता है, पार्थो और उसके पिता की सोच में भी फर्क था. सर, कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं रहा, इट इज दैट कि मुझे फिजिक्स और बायोलॉजी नहीं करना था, इसलिए मैं कॉमर्स चूज किया. दूसरी नौकरी इन्हें मई 2009 में मिली 55,000 रुपए के लिए, और सितंबर 2009 में इन्होंने ये नौकरी भी गवा दी. इस समय पार्थो बेरोजगार है. इंडिपेंडेंट माइंडेड तो है वो, एक जगह पर, सब जगह नहीं, कभी कभी सुनता है ऐसे 50% ही वाज डूइंग हिमसेल्फ और 50% हम लोगों को सुनता था. जस्ट आफ्टर यू नो कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन आई जॉइंड अ कंपनी टू सेल ऑफिस ऑटोमेशन स्टफ. आई रियली डिड नॉट नो, मुझे पता नहीं था कि क्या कर रहा है. नौकरी वगैरह उसको मिला था ना, वो वेरी हाई सैलरीज वगैरह थे, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गया था कि मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, थोड़ा एम्बिशन ज़्यादा हो गया था. आपने ब्रोकिंग कंपनीज काफ़ी सारी ज्वाइन करी लास्ट two to three years, what you've been basically with the securities firms? Stock market का इंटरेस्ट आया through a certain broking company. पार्थो के कर्ज लेने का सिलसिला भी यहीं कहीं से शुरू हुआ था. कर्ज लिया गया स्टॉक मार्केट में डालने के लिए. उसमें और पैसा तो हम लोग बढ़ा नहीं पाए, तो उसी के चलते दिन ब दिन रेवेन्यू जो था वो कम होता गया. डेस्टिनी हैड डिफरेंट आइडियाज. हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिम एज अ सन? ना, एज अ सन आई फील ही इज वेरी लॉयल. लॉयल्टी तो एक तरफ थी, पर कुछ बातें ऐसी भी थी जो पार्थो ने अपने पिता को नहीं बताई. You lost that job. मैं मेरे औहदे या औकात से ज्यादा चला गया था. पर उनके पिता को शक जरूर था. Sometime whatever things he was doing, he was not allowing us to know. The kind of optimism कि कोई बात नहीं, आज खराब दिन है, कल ठीक हो जाएगा, पर बदकिस्मती
मेरे साथ और थोड़ी देर जुड़ा रहना चाहता है, तो यू नो स्टिल नॉट आउट ऑफ इट. सारा गलतियाँ मुझसे ही हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं किसी के दबाव में या परिवार का कोई ज़रूरत था, ये सब एकदम एक ट्रांस के सिचुएशन में हुआ है. Perhaps not realizing that, as I said, I mean we are on a very loose footing in terms of our employment, our kind of employment is concerned. So, वो समझना बहुत जरूरी था. The Mukherjees came across as a really simple Bengali family, and Partho himself seemed to be a very intelligent, simple boy. Problem ये थी कि जो वो stock markets की जो एक चकाचौंध होती है, जो razzmatazz होता है, उसमें वो बिल्कुल खो गए. He lost his way, and he forgot where he was coming from. वो उड़ने लगे, वो इतनी लंबी और इतनी ऊंची फ्लाइट थी कि वो ये भूल गए कि उनका ग्राउंडिंग किधर है, वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं और इस फैमिली के ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस क्या हैं. द स्टॉक मार्केट डज दैट टू यू. आई डोंट रियली ब्लेम द बॉय बिकॉज यू सी सो मच ऑफ मनी बीइंग मेड, सो मेनी डील, सो मच मनी फ्लाइंग अराउंड. यू थिंक यू कैन बी किंग, यू वॉन्ट टू बी किंग, यू वॉन्ट दैट लाइफ एंड यू वॉन्ट दैट काइंड ऑफ मनी. समय आ गया था बही खातों को देखने का, खर्चों को देखने का, कर्जों को देखने का. So let's start with your, let's say, first loan or the first credit card that you took. पार्थो मुखर्जी के पास तीन क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग्स हैं. पहली आउटस्टैंडिंग 61,000 रुपए की है, दूसरी 44,000 की और तीसरी 13,000 की. तीनों क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग्स पर ये लगभग 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट भरते हैं. So for how long have these amounts been pending, which you haven't paid to the banks? ये वाला जो सेकंड कार्ड आपने बताया, सारी कार्ड या लोन या जो भी है बैंक को नहीं पेमेंट मिल रहा है.